हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं भाई, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, वो एक अलग बात है। मैंने 2-4 दिन के लिए जो है सारे लेक्चर्स ओपन कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ फ्री नहीं है कुछ भी, भले ही यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको डेटा कॉपी और पेन का पैसा तो देना ही होगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, ये जो सेट दिए हुए हैं 4, आपको इनके सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेरे को गिवन है, गिवन दैट एस इज इक्वल टू दे रखा है -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन। लास्ट की वैल्यू होगी -kn एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर रिजल्ट आ जाएगा 0। आप भी समझते हो। तो मेरे पास सेट एस की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली, -1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन। लास्ट वाली वैल्यू निकली 0। तो भाई सेट की सबसे छोटी वाली वैल्यू देखो आप, सो दैट ग्रेटर लोअर बाउंड। सबसे छोटी वैल्यू तो -1 है, या इन्फीमम, कौन से इन्फीमम, सेट एस का बराबर निकल कर के आया 1। अगर मैं सुप्रीमम की बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ लीस्ट अपर बाउंड बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ सेट एस इज इक्वल टू, सबसे बड़े वाली वैल्यू आ रही है 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखता हूँ और हल करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट एस है, एस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है m+k 1/n है, फॉर ऑल m और n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर से है। आप जानते हो n के अंदर जो एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। मैंने वैल्यू डालना से शुरू की और यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश की। ओके, जब मैं स्टार्टिंग की वैल्यू डालूँगा एस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, मेरे को निकालनी है सबसे छोटी वाली वैल्यू और फिर सबसे बड़े वाली वैल्यू। पहले वाला एम और एन की वैल्यू 1 डालो, ये निकलेगा 1+k 1/2। उससे अगले वाली वैल्यू डालो 2+1/2। उससे अगले वाली वैल्यू डालो 3+1/3। उससे अगले वाली वैल्यू डालो 4+1/4। उससे अगले वाली वैल्यू डालो 5+1/5 एंड सो ऑन। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट में जो है मैं क्या करूँगा भाई, जब m की वैल्यू इन्फिनिटी डालूँगा, m की वैल्यू इन्फिनिटी डालूँगा +1/∞, यानी लास्ट तो आ जाएगी मेरे पास इनफाइनाइट। क्लियर है ना, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को देखना है कि इसका लोअर बाउंड क्या है। आगे की तरफ चलते हैं एंड सो ऑन। इसकी और बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी मेरे को। देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एस बराबर, ये तो मैंने तब वैल्यू निकाली है जब दोनों के दोनों वेरी हो रहे हैं। एक्स भी मैंने एम भी वेरी करा और एन भी वेरी करा, ध्यान से सुनना भाई, ये सारी वैल्यू तो इसके अंदर होंगी ही होंगी, 1+1/2, 2+1/2, 3+1/2 एंड सो ऑन, ये वैल्यू तो होंगी होंगी। अगर मैं एम की वैल्यू 1 डाल लूँ, ध्यान से सुनना, एम की फिक्स वैल्यू करूँ, एम की वैल्यू सिर्फ 1 करूँ और एन को वेरी करा दूँ, तो ये निकलना शुरू हो जाएंगे इस तरह की वैल्यू, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, 1+1/5 एंड सो ऑन। इस तरह की वैल्यू भी होंगी। अगर मैंने एम को 1 पर फिक्स किया है, इसी प्रकार जब मैं एम को 2 पर फिक्स करूँगा, अगले वाली 2+k 1/1, 2+k 1/2 एंड सो ऑन, इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इसी सेट के अंदर अगर मैं एम को फिक्स करते हुए एन को वेरी करा दूँ, या
एन को फिक्स करते हुए एम को वेरी करा दूँ, अगर मैं एन की वैल्यू टू डाल दूँ ये ऐसे भी आ जाएगा, ये इसी सेट की वैल्यू से बेटा, ये ब्रैकेट बंद नहीं है यहाँ पे, मैं एम को फिक्स कर दूँ ये हो जाएगी दो प्लस एक बटे वन, फिर दो प्लस एक बटे दो, अगला दो प्लस एक बटे तीन, दो प्लस एक बटे चार, इस तरह की वैल्यूज़ भी आएंगी। मैंने एम को फिक्स किया है, अब की बार मैं एन को फिक्स कर दूँ, एन का मतलब एन की जगह अगर मैं एक बटे पाँच कर दूँ प्लस के वन, ये वैल्यू भी होगी, एक बटे छः प्लस के वन ये वैल्यू भी होगी, वन प्लस के एक बटे सात ये वैल्यू भी होगी, हर तरह की वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी, बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू यहाँ से देखो, अब आप इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ बनना शुरू होंगी, एक ही निकल करके आएगी, वन प्लस के वन अपॉन वन, वन प्लस के वन अपॉन टू, वन प्लस के वन अपॉन थ्री एंड सो ऑन, वन प्लस वन अपॉन एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, लास्ट वैल्यू आ जाएगी, दूसरे वाली वैल्यू ये भी होगी बेटा, दो प्लस के एक बटे दो, तीन प्लस के एक बटे तीन, चार प्लस के एक बटे चार एंड सो ऑन, जितनी सारी ऊपर वैल्यू रखी हुई है वो होंगी। ओके, पाँच प्लस के एक बटे पाँच, बहुत सारी वैल्यूज़ जहाँ तक आप सोच पा रहे हो, हर तरह की वैल्यूज इस सेट के अंदर होंगी। तो अब यहाँ से देखो बेटा, सबसे छोटे वाली वैल्यू तो सेट की निकल करके आएगी ये, इससे छोटी तो नहीं हो सकती, और सबसे बड़े वाली वैल्यू मेरे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एम प्लस के वन अपॉन एन, एम बी इन्फिनिटी पे गया, एन बी इन्फिनिटी पे गया, सबसे बड़े वाली वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, वो पहुँच जाएगी इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी, जो स्टार्टिंग में निकाला था बराबर इन्फिनिटी लास्ट। ओके, तो मैं क्या कहूँगा, सुप्रीमम ऑफ ए एस इज इक्वल टू अनडिफाइंड, और इनफाइनाइट, लेकिन इन्फिमम मेरे को मिल जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी इन्फिमम की, वो इस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, कितना निकल करके आएगा, वन होगा, और यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से हर साल मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नेट और जेआरएफ के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की बात कर लेते हैं भाई, सेट एस जो दे रखा है वो दे रखा है एक बटे पाँच एन है, और आगे कह रहा है कि एन जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से है, और एन जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है। आप इस चीज़ को जानते हो, जेड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ज़ीरो, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू एंड सो ऑन, और आगे कह रहा है एन की वैल्यू ज़ीरो नहीं डाल सकते आप। देखो भाई, जब आप एन की वैल्यू वन डालोगे तो रिजल्ट कितना निकलेगा, जब एन की वैल्यू टू डालोगे तो रिजल्ट कितना निकलेगा, ज़रा उसको देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू एन की वैल्यू वन डाली, एन की वैल्यू प्लस माइनस वन डालते ही प्लस माइनस एक बटे पाँच, अगले वाली वैल्यू डालते ही प्लस माइनस एक बटे दस, अगले वाली वैल्यू प्लस माइनस एक बटे पंद्रह, प्लस माइनस एक बटे बीस एंड सो ऑन, प्लस माइनस एक बटे पाँच गुना इनफाइनाइट यानी ज़ीरो। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। आगे की तरफ चलते हैं, इस सेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू, ज़रा समझने की कोशिश करना भाई, सबसे छोटे वाली वैल्यू माइनस एक बटे पाँच से स्टार्ट हो रही है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती, माइनस एक बटे पाँच, फिर प्लस के एक बटे पाँच, फिर माइनस एक बटे दस, अगले वाली वैल्यू प्लस के एक बटे दस एंड सो ऑन, लास्ट मारा है कितना ज़ीरो। अगर मैं सुप्रीमम की बात करूं, सुप्रीमम ऑफ एस मतलब एस की सबसे बड़े वाली वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कितनी बन जाएगी भाई, सुप्रीमम कितना बनेगा, जो सबसे बड़े वाली वैल्यू होगी, एक बटे पाँच से बड़ी वाली वैल्यू कोई नहीं है, वो होगी एक बटे पाँच। और अगर इसके इन्फिमम की बात करूँ, जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है वो माइनस एक बटे पाँच से कोई छोटी नहीं है, माइनस के एक बटे पाँच होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखो, माइनस एक बटे पाँच इस सेट की सबसे छोटी वैल्यू है, प्लस एक बटे पाँच इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू है। ओके, सुप्रीमम ये होगा, इन्फिमम ये होगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि छः जो बोल रहा है वो कितना बोल रहा है, सेट एस इज इक्वल टू दे रखा है 3n+k2 बटे 2n+k1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो ये है आपका छठा क्वेश्चन, ओके ये मैंने लिख दिया है, अब मैं इसको हल करने जा रहा हूँ, देखता हूँ भाई क्या रिजल्ट होगा, किस तरीके से होगा, जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूँगा। फटाफट वैल्यू डालने के बाद जो है रिजल्ट्स निकालता हूँ। एस इज इक्वल टू, जब मैं इनकी वैल्यू 1 डालूँगा 3 और 2 ऊपर 5 बटे एन की वैल्यू 1 डाल करके 3, अगले वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, जब मैं इनकी वैल्यू इसके अंदर 2 डालूँगा 3 × 2 = 6 और 2 = 8 बटे 2 × 4 = 5 5 और 3 = 8 8 और 3 अगले वाली वैल्यू 11 निकलेगी 3 और 2 = 5 और 2 = 7। देखो आप निकाल करके देख लो, एन इजल टू 3 × 3 = 9 और 2 = 11 3 × 2 = 7 11 में 3 जोड़ा अगले वाली वैल्यू 14 होगी, 7 में 2 जोड़ा 9 हो जाएगी एंड सो ऑन। लास्ट में होगा 3n+k2 बटे 2n+k1 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ज़रा इसको सॉल्व करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ कितना आ रहा है। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो देखो आप, एस इज इक्वल टू जो बना बेटा वो बना 5/3 8/5 11/7 14/9 एंड सो ऑन। ऊपर से एन कॉमन ले लिया, कितना बचा 3+2/n, नीचे से भी एन कॉमन ले लिया 2+1/n, इससे कैंसिल, एन को इन्फिनिटी टेंड कराते ही 0 एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, फाइनल वैल्यू घटते घटते कितनी पहुंची 3/2। क्लियर है क्यों 1/∞ = 0 होता है, ओके। मैंने इस सेट को फिर से लिखा और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखी, एस इज इक्वल टू निकला मेरे पास कितना 5/3, उसके बाद 8/5, उसके बाद 11/7, उसके बाद 14/9, वैल्यू घटते 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 3/2 तक पहुँचे। अब देखो बेटा आपको कैलकुलेट करना है इस सेट का सुप्रीमम और इस सेट का इन्फीमम, ओके। अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँगा सबसे बड़े वाली वैल्यू ये होगी सुप्रीमम ऑफ सेट एस, सबसे बड़े वाली वैल्यू तो होगी ये बराबर, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो 5/3, और इन्फीमम जो होगी सबसे छोटे वाली वैल्यू होगी कितनी 3/2, ओके। देखो आप 5/3 को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 3 × 3 जरा देखते हैं वैल्यू बढ़ती है कि घटती है। एक बार चला 1.6 मान लो, 6 मान लो भाई, एक बार तो हुआ बचे 2 20 6 6, अच्छा इससे अगले वाली वैल्यू देखो 80 है ना, वन टाइम तो पूरा पूरा चल गया, बचे 3.6 बस घटना शुरू हो चुकी वैल्यू। इसे देखो आप 1 टाइम तो पूरा चला, बचे 4 7 × 35 7 × 7 = 42 7 × 35 1.5 की तरफ जा रहा है, वैल्यू घटी 1.6 1.6 1.5, घटते 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 कहाँ तक पहुँची 1.5 तक पहुँची। सबसे बड़े वाली वैल्यू ये हो चुकी, सबसे छोटे वाली वैल्यू ये हो चुकी, ये सुप्रीमम हो चुका, ये इन्फीमम हो चुका। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन के अंदर आओ, आई विल हेल्प यू।